नमस्कार जी गुड इवनिंग सबका स्वागत एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल हम आ चुके हैं और आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए हो चुकी है क्लास शुरू ऑलरेडी हो चुकी है जी सबको गुड इवनिंग सबको नमस्कार सबको गुड इवनिंग सबको नमस्कार फटाफट एक बार अपनी अप, अपना अपना प्रेजेंस दर्ज कराएं जी गुड इवनिंग एवरीवन आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ईच एंड एवरी वन येस और नो एक बार जल्दी से कंफर्म करना सब लोग मुझे सुन पा रहे हो हा या ना जल्दी जल्दी से कंफर्म करें बच्चों फिर हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्य का अगला सेशन जी नंबर इलेवन कैप्टन प्रगति वर्षा टिंकू गुरमीत सबको सबको नमस्कार सबका स्वागत है एंट्रेंस विजार्ड पर जल्दी से एक बार आए और मुझे कन्फर्म करें कि मैं आपके लिए ऑडिबल हूं या नहीं आई कैन फाइंड माई सेल्फ विजिबल इन द कैमरा जस्ट वॉन्ट टू चेक द ऑडियो प्लीज कन्फर्म जल्दी से कन्फर्म करें फिर मैं सेशन स्टार्ट करता हूं आई होप मैं आपके लिए क्लियरली ऑडेबल और विजिबल होऊंगा

आज शायद कुछ और क्वेश्चंस भी एरर के होंगे मतलब एरर वाले थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे ठीक चलो तो मैं क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट कर रहा हूं आप लोग सॉल्व करते चलिएगा पहले चंद क्वेश्चन अब चंद कितने ये मुझे याद नहीं ठीक इनमें एरर है तो आप स्पॉट द एरर करते चलना विदाउट वेस्टिंग टाइम यू गैस नीड नॉट थैंक मी एनी टाइम मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की नाराजगी किसी न किसी कारण से क्लास नहीं हो पाती है रोज आपकी नाराजगी मैं बिल्कुल समझ पे समझ पा रहा हूं हाँ आदिल आज जी के पढ़ाऊंगा रुक आज जी के पढ़ाता हूं चलो आओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट करना मैंगो सीजन चल रहा है ना आम का खा रहे हो ना रज के मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेन् चलिएगा जल्दी से जल्दी से देखें क्वेश्चन नंबर वन फटाफट स्टार्ट करें आंसर देना मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेटी क्या आपके हिसाब से इस सेंटेंस में क्या एरर है थोड़ा स्पीड में आंसर करते चलिएगा जी बच्चों जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत तो करने के लिए यहाँ एरर बताइएगा और मैंने आपको बोला है ना एरर बताने का सही तरीका क्या है क्वेश्चन नंबर लिखिए उसके किस पार्ट में एरर है ये मेंशन कर दीजिए और अगर आप ये भी बता दें एरर क्या है और इसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए तो ज्यादा सुटेबल रहेगा ठीक चलो अभी देखो यहाँ क्या है आप ये जानते हैं कि ये जो यूनिक है ये आपको एजेक्टिव मैंने पढ़ाया हुआ है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट है absolute मतलब जिसका ना कॉम्पेरिजन हो सकता ना जिसका आप सुपरलेटिव बना सकते एब्सोल्यूट है कौन से होते हैं जिन वर्ड्स का ना कोई कॉम्पेरेटिव होगा ना कोई सुपरलेटिव होगा ठीक है ना तो याद रखिएगा यहाँ पे द और मोस्ट दोनों हटाकर आप ए लगा दें आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा मैंगो यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेन टी है ना डन चलो बहुत बढ़िया क्लियर है आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टू देखें क्वेश्चन नंबर टू आर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट मेक इट फास्ट एवरी वन मेक इट फास्ट मेक इट फास्ट आर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट जल्दी बताइएगा जी सबको गुड इवनिंग सबको नमस्कार फटाफट आए और क्वेश्चन के आंसर शेयर करें थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाते चले और जल्दी जल्दी आंसर करते चलिएगा इनरेलीवेंट डिस्कशन को कोशिश करो अवॉइड करने की आई विल रिक्वेस्ट आदिल बेटा अगर आप अभी आपको इंग्लिश पढ़ने का मन है तो पढ़ लो ना मन है बच्चे तो उस वाले सेशन का पांच बजे इंतजार कर लो आप कर लेना इनरेलीवेंट डिस्कशन मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब मुझे ये क्योटिक सिचुएशन अच्छे लगते हैं ये सच नहीं है ये पैंडमोनियम मत क्रिएट करें प्लीज अगर आपको इंग्लिश अभी पढ़ना है आदिल तो पढ़ लीजिए आराम से बेटा नहीं तो कोई बात नहीं जब पांच बजे क्लास लगेगी तब पढ़ लीजिएगा जीके वाली क्लास इतना क्या परेशान होना Our है। टेल आपका है। और जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं तो अगर हम यहां पर अस लगा दें किसको बोला पढ़ने के लिए यहां आर गिवन है आर तो आर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा अस हाँ या ना जी क्लियर ना चलो आदिल वेरी गुड बहुत बढ़िया जय हिंद दीपिका जी है ना क्या है आर जोग्राफी टीचर टोल्ड अस टू तो स्टडी द मैप ऑफ इंडिया अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है ऐसा क्यों क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और ये सब हम लोग वर्ब वाले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं डन चलो मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज प्यार से देखते चलिएगा समझते चलिएगा और क्वेश्चन के आंसर करते चलिएगा यू आर ब्यूटिफुल देन हर क्या बात है आप उससे ज्यादा सुंदर हैं खूबसूरत हैं यू आर ब्यूटिफुल देन हर चलो जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताएं बच्चों आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए यहां पर जी बिल्कुल बिल्कुल बी वाले ऑप्शन में कुछ ना कुछ पंगा था अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्वेश्चन नंबर थर्ड यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर चलो आओ क्वेश्चन नंबर थ्री अगर आपको याद हो तो प्रोनाउंस वाली क्लास में ये भी मैंने आपको बताया हुआ है अगर आपको याद हो बच्चों जहां मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव केसेस वगैरह आपको समझाए थे वही मैंने आपको एक टॉपिक दिया था जिसमें और देन का मैंने बताया था कि एज और देन के बाद हमें कौन सा केस लगाना होता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव ये बात वहां आपको मैंने बताई थी बच्चे की सब्जेक्टिव केस लगाना होता है तो यहां पर आप शी लगाएंगे जी यहां पर आप देखो बहुत लोग कह रहे हैं ओनली ब्यूटीफुल बहुत लोग कह रहे हैं ओनली ब्यूटीफुल थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे कॉम्पेरिजन हो रहा है यू का मतलब आपका कॉम्पेरिजन किसी और लड़की से हो रहा है तो ब्यूटीफुल का जो कॉम्पेरेटिव डिग्री है वो तो मोर लगकर ही बनता है आप लोगों को मैंने ये भी बताया हुआ है कि जहां एक से ज्यादा सिलेबल होंगे है ना मोर देन वन सिलेबल वाले जितने भी एज्जेक्टिव होते हैं वहीं पर हम मोर और मोस्ट लगाते हैं वहीं पर आप बच्चों मोर और मोस्ट लगाते हैं ये आपको मैंने बता रखा है हाँ या ना जी गुड इवनिंग हाँ आज काफी टाइम बाद क्लास हुई है नेहा थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है बच्चों ऑफलाइन की वजह से कोई बात नहीं वह एक दो दिन की बात है चीजें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी जैसा आप दिसंबर से पढ़ते आए थे दो सेशन वैसा सेशन आपको पूरे वीक मिलेगा एटलीस्ट फाइव डेज अ वीक तो जरूर मिलेगा ठीक ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ जी सदा ही जय हो जप नाम जप नाम चलो जल्दी बोलो हाँ बिल्कुल 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 डन ना चलो आगे आ जाओ आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन माय ब्रदर इन लॉ हु अरे ये देख लो ये लिव्स इन है ये थोड़ा सा अलग अलग टाइपिंग एरर हो गया ये बच्चों लिव्स इन है लिव्स इन जी हाँ बिल्कुल शीला और मीना दोनों जवान कर दी इसने तो चलो जल्दी बोलिएगा माई ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई Have come to stay with us. थोड़ा सा स्पीड में आंसर करते चलना आई डोंट नो वाई मेरे पास थोड़ा सा लेट आपके आंसर पहुंच रहे हैं जी मेक इट फास्ट एवरी वन ये वाला ये वाला एरर नहीं है बच्चों ये टाइपिंग मिस्टेक है ये टाइपिंग मिस्टेक है आप इसको टाइपो भी कह सकते हो टाइपिंग एरर की जगह है ना ये टाइपिंग मिस्टेक है प्रिसेप्ट यहां क्या करना है आपका सब्जेक्ट है माई ब्रदर इन लॉ ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ये सब्जेक्ट बच्चों आपका सिंगुलर है तो आप यहां पे वॉब भी सिंगुलर दीजिएगा भी सिंगुलर दीजिएगा जी बस बस अनुजी अभी शुरू हुई है दो मिनट पहले दो मिनट पहले बच्चे क्लियर है बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आदिल प्रिसेप्टर टिंकू दीपिका सरिता वर्षा यथार्थ नेहा बहुत बढ़िया शबाश कम ऑन मेक इट फास्ट लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव को टैकल करने की कोशिश करें हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट ऊपर वाले पर भरोसा रखे बंदे सब कुछ सही होगा जी चलो जल्दी बोलो जल्दी से बोलिएगा नेक्स्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए 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 जल्दी से जल्दी से फटाफट फटाफट क्वेश्चन के आंसर करते चलेंगे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनाकर चलिएगा जल्दी से जल्दी से बोले हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरी थिंग विल बी राइट क्या आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या आपके हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए जल्दी बताइएगा। हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरी थिंग विल बी राइट जी अच्छा बस इतना इसको अगर आप चेंज कर दें अगर आप इतना इसको चेंज कर दें फेथ इन गॉड हैव ट्रस्ट इन गॉड ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और याद होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा सेंटेंस करवाया हुआ है 125 क्वेश्चन प्रीपोजिशन के करवाए थे प्रीवियस ईयर के थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे आपकी शिकायतें जायज हैं आपकी शिकायतें जायज हैं कि डेली क्लास नहीं होती जब बेटा क्लास नहीं होती है तो थोड़ा रिवाइज ही कर लिया करो सौ से ऊपर क्लासेस ग्रामर की तीस से ऊपर क्लासेस वो कैब की साठ से ऊपर सेशन आईपीएल के थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो ट्रस्ट कीजिएगा सारे बैचेस मिलाकर भी ना आपके इतना इंटरेस्टिंग मुझे कोई नहीं लगता मैं भी रोज कोशिश करता हूं और कोई भी क्लास कैंसिल हो जाए आपकी क्लास कैंसिल ना हो दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द डेफ ऑफ माय हार्ट इफ यू कैन फील इट इट विल बी बेटर चलो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी गुड इवनिंग नमस्कार सबको जी कविता जी चलो आ जाओ जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्मोकिंग इज अनडाउटेबली वेरी इंजूरियस फॉर हेल्थ पूरी कोशिश रहती है सरिता एक दो दिन की बात है ये आपको इसी एक आधा डेढ़ महीने में दिक्कत आई होगी बच्चे इससे पहले दिक्कत नहीं थी जैसे बाकी क्लासेस चली हैं वैसे ही चलेंगी थोड़ा वक्त दे दीजिएगा थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा ठीक है स्मोकिंग इज अनडाउटेबली वेरी इंज्यूरियस फॉर हेल्थ वट शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू मेक इट फास्ट एवरी वन बिल्कुल ये याद रखना ये याद रखना और वैसे भी आपको याद होगा ये ये भी मैंने प्रपोजिशन में आपको बताया था एक बात और मैं क्या सोच रहा हूं अगर आप लोग इजाजत दें अगर आप लोग इजाजत दें तो प्रपोजिशन के कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर लें क्या कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस कर लें अगर आप इजाजत दें लक्ष्य वाले ही सेशन में लक्ष्य के सेशन में अगर आप कहें तो 100 150 के आसपास फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस कर लें क्या अगर आप बोलो इफ यू आर ऑफ फॉर इट ठीक है तत्काल यहां पे फॉर की जगह टू आएगा ये ध्यान रखिएगा और एक मैं आपको ट्रिक देता हूं मैं हेल्थ के पहले चेक कर लेना मोर देन नाइनटी परसेंट केसेस में हेल्थ के पहले टू प्रेपोजिशन आता है ठीक है चलो इजाजत है कबूल है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कल वाली क्लास में करते हैं प्रेपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक तत्काल क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने माय फ्रेंड माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री चलो जल्दी बताइए बिल्कुल 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 कोई बात नहीं धन्यवाद परमिशन ग्रांटेड शुक्रिया चले क्वेश्चन का आंसर करेंगे माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द इंडस्ट्री या इन द कंट्री आपको याद होगा बेटा आपको याद होगा ये सब मैंने आपको बताया हुआ है वन ऑफ आइडर ऑफ नाइदर ऑफ इन सब के बाद वन ऑफ आइदर ऑफ इसी को स्वैग में कुछ लोग ईदर भी कहते हैं और नाइदर ऑफ इन सबके बाद प्लुरल सब्जेक्ट आता है इन सबके बाद बच्चों प्लुरल सब्जेक्ट आता है इसीलिए आप प्लेयर की जगह प्लेयर्स कर दीजिएगा तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा जी बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों प्लेयर की जगह प्लेयर्स कर दो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट जल्दी से फटाफट आंसर करें स्पीड में बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर एट द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड चलो फटाफट जल्दी से स्पीड बढ़ाते चलिएगा क्वेश्चन के आंसर करते चलना समझ में आता जाए तो लाइक करते चलिएगा दिल करे तो शेयर कर दीजिएगा वैसे कोई करता नहीं है मैं जानता हूं लाइक करते चलना और आगे बढ़ते चलना चलिएगा द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स याद बस इतना रखिएगा ये वर्ड अपने आप में प्लूरल है ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में मैंने बताया है कैटल्स नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता कैटल्स नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड ये खुद ही प्लूरल है बच्चों ये खुद ही प्लूरल नाउन है आई होप सबके आंसर आ चुके होंगे बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट 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 जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन जल्दी से क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन बीच में क्लास छोड़ छोड़ के लोग भागते हैं तब बोलते हैं मैं रही लिटरेचर पढ़ना है मेरे सिर के ऊपर से गुजर रहा है ना ईमानदारी से देखो कि पिछले 120 क्लासेस में ग्रामर में कितने क्लासेस आपने पढ़े हैं चलिएगा कैप्टन आपको आधे आधे में भागते रहो तब बोलना कि ऊपर से क्वेश्चन गुजर रहे हैं ऐसा कुछ है ग्रामर में जो ना पढ़ाया हो एक दो टॉपिक को छोड़ के वो भी करवा दूंगा जी बिल्कुल चलो वेन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स चलिए बोलिएगा गुड इवनिंग नमस्कार सबको गुड इवनिंग नमस्कार सबका स्वागत है एंट्रेंस रिजॉर्ट पे फटाफट आए और क्वेश्चन के आंसर करते चलिएगा सेंटेंस है व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी नंबर ऑफ डियर्स चलो बोलो बहुत बढ़िया थैंक यू आदिल थैंक यू सो मच यहां ये याद रखिएगा जैसे कैटल्स नहीं होता वैसे डियर्स भी नहीं होता डियर इट्स आपके लिए प्लुरल है बात समझ में आई तो डियर्स को डियर में चेंज कर दीजिएगा छोटे छोटे एरर्स से हां लेकिन थोड़े ट्रिकी हैं जल्दी जल्दी में बहुत बार लोग इग्नोर कर देते हैं इन एरर्स को जी गुड इवनिंग नमस्कार गुड इवनिंग नमस्कार पूजा यादव जी सबको गुड इवनिंग नमस्कार जी क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन एवरी वन क्वेश्चन नंबर टेन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ओपन द बॉक्स ड्राइवर यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल जी निशा राना कुमारी डॉली प्रगति कविता डागर अनु वर्षा बिल्कुल करेक्ट है यादव जी चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर ये भी आपको समझाया हुआ है ये भी समझाया हुआ है बच्चों कि जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जब आप इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम बाय वहां नहीं लगाते बेटा हम वहां पर विद लगाते हैं बाय वहां इनकरेक्ट हो जाता है बाय जनरली हम ह्यूमन बीइंग के लिए लगाते हैं जी बिल्कुल आस्था क्लियर दिख रहे हैं क्लियर दिख रहे हैं बच्चे है ना जल्दी से जल्दी से सारे बच्चे फटाफट आंसर करते चलिएगा फटाफट आंसर करते चलें जी मेक इट फास्ट एवरी वन मेक इट फास्ट और और कभी कभी क्या फील होता है कि थर्टी एट बच्चे लाइव हैं और चौदह लाइक से वहां पे चेक करो जरा सा जिन जिन ने लाइक का बटन नहीं टच किया टच करते चलिए बोलने में अच्छा नहीं लगता जी चलो क्लियर है बहुत बढ़िया ये वाली बात आ गई समझ में यहां आप बाय को रिप्लेस कर देंगे विद से और आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा याद क्या रखिएगा इंस्ट्रूमेंट के लिए विद और ह्यूमन बीइंग के लिए बाय का यूज किया जाता है जी चलो मेक इट फास्ट नेक्स्ट चलो अच्छा अब इंस्ट्रक्शन बदल गए स्पॉट द एरर के इंस्ट्रक्शन अब बदल गए अब आपको क्या कह रहा है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इट मीन हम लोग की बात करने जा रहे हैं अगले जो भी दो तीन क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन से पहले वो सिनेम्स के होंगे क्लियर ना चलिएगा डन तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिनेम्स का क्वेश्चन नंबर इलेवन द वर्ड इज प्लम द वर्ड इज प्लम चलो जल्दी बोलो मैं बिल्कुल साइड आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा प्लम यहां ऊपर मेंशन कर रहा हूं सो डू नॉट गेट कंफ्यूज आपको सिनेम्स बताने हैं सिमिलर मीनिंग वर्ड बताने हैं प्लम टॉल फैट लीन और स्कीनी वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द करेक्ट आंसर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द करेक्ट आंसर जल्दी बताइए टॉल फैट लीन और स्कीनी टॉल फैट लीन और स्कीनी जल्दी बताइएगा चलो बिल्कुल 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 है ना फैट थोड़ा सा पॉजिटिव वे में फैट पॉजिटिव वे में जिसको हम लोग चबी भी कहते हैं चबी बिल्कुल फैट आपका करेक्ट आंसर है बच्चों अब फैट कह लीजिए चबी कह लीजिए सारे करेक्ट है आप चाहो तो स्टाउट भी कह सकते हो ये भी एक वर्ड है ठीक क्लियर है चलो बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन है वैलियंट जल्दी बताइएगा वैलियंट का मतलब क्या होता है बच्चों वैलियंट वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द करेक्ट सिनेम फॉर दिस वर्ड वैलियंट और ऊपर मेंशन कर देता हूं चिंता नहीं करना है है ना आप बाद में ये नहीं बोलेंगे कि हम कंफ्यूज हो गए थे हमें ध्यान नहीं था सिनेम बताना है सिमिलर मीनिंग वर्ड बताना है जी आ, बिल्कुल ठीक मैं समझ रहा हूँ कैप्टन आपका इशारा मेरी तरफ है मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं जल्दी बोलिएगा वैलियंट वैलियंट किसको बोलते हैं बच्चों वैलियंट बोलते हैं बेटा फियरलेस को है ना जो करेजियस होगा जो फियरलेस होगा उसी को हम लोग वैलियंट कहते हैं आप इसी को ब्रेव भी कह सकते हो ठीक है डन ना बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया करेजियस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है समझते हैं चीयरफुल खुद समझते हैं और रिपेलेंट कहते हैं रिपेलेंट हो या रिपल्सिव हो दोनों एक ही वर्ड है डन ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से आपके पास इंस्ट्रक्शन है और इंस्ट्रक्शन कहता है ऑपोजिट इन मीनिंग मतलब अगले जो दो तीन क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट डायरेक्शन से पहले वो एंटेनिम्स हैं और आपको यहां ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स बताने हैं ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।, है ना मैं सीधा आता हूं क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन जी क्वेश्चन नंबर थर्टीन जल्दी बोलिएगा क्या और ठीक क्या और ठीक जल्दी से बोलने अब एंटेनिम बताना है तो अब बच्चों फिर से कंफ्यूज नहीं होना जल्दी जल्दी में सिनेम मत बताइएगा मैं आपके लिए ऊपर मेंशन कर रहा हूं एंटेनिम क्वेश्चन नंबर थर्टीन में आपको ऑपोजिट ऑपोजिट जी जल्दी बोलो जल्दी से का मतलब क्या होता है और इनमें से क्या आपका सुटेबल एंटेनिम होगा जल्दी से बताना क्वेश्चन नंबर थर्टीन जब तक आप बताते हो तब तक मैं कुछ कुछ मीनिंग इसका लिखता हूं थोड़ी सी थोड़ी सी हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर लेता हूं मैं अभी डिसऑर्डरली कह लीजिए डिस्टर्गेनाइज कह लीजिए इसका ऑपोजिट बताइए जी मेक इट फास्ट बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया ठीक है चलो इसमें एक वर्ड आपके पास है जो हो सकता है आपके लिए नया हो FZ कहते हैं बच्चों अन को कोई चीज अनप्लैंड है और जो चीज अनप्लान्ड होती है उसको आप रैंडम भी कह सकते हैं ठीक बाकी वर्ड चेक कर लो ये चार्मिंग और करिस्मेटिक दोनों से, दोनों का सेम मीनिंग है बच्चों ठीक और ऑर्गेनाइज तो आपका एंटेनिम था ही तो करेक्ट आंसर है थर्टींथ का बी वाला डन ना जी अवंतिका गुड इवनिंग बिल्कुल 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 जप नाम जप नाम जप नाम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगेन वी हैव अ क्वेश्चन अगेन वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंथेनियम अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंथेनियम जल्दी से बताएं कॉशियस वर्ड जो है ये कॉशियस वर्ड का मीनिंग क्या है और ऑपोजिट क्या होगा जल्दी से कॉशियस का मीनिंग क्या है एंड वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द करेक्ट एंटने गिवेन वर्ड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू सो मच निशा राना थैंक यू सो मच बच्चे जी चलिए जल्दी बताइए मेक इट फास्ट मेक इट फास्ट कॉशस कॉशस मतलब बच्चों जो बहुत केयरफुल हो और केयरफुल कोई हम लोग वैरी भी कहते हैं डब्ल्यू ए आर वाई वाला वैरी चलो अब तो बोलो अब तो बोलो स्पीड बढ़ाओ जल्दी से स्पीड बढ़ाइएगा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइएगा जी मेक इट फास्ट सेवरी वन वैरी कह लो आप अटेंटिव भी कह सकते हो है ना तो इसमें मिला जुलाकर आपके पास एक ही वर्ड है रेकलेस जो इसका एंथनिम होना डिजर्व करता है है ना आपके पास डी वाला ऑप्शन केयरफुल और रेकलेस मतलब केयरलेस है ना जो गैर जिम्मेदार होता है उसी को हम लोग बोलते हैं केयरलेस ठीक है आप इसको केयरलेस भी कह सकते हैं ठीक आप इसको हीडलेस भी कह सकते हैं बच्चों इसी को आप चाहो तो रैश भी कह सकते हो ठीक है आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन जो फार्देस्ट मीनिंग रखता हो कौशस के साथ वो है रेकलेस आगे बढ़िएगा एंड आगे फिर से कोई बात नहीं कोई बात नहीं आगे फिर से आपके पास इंस्ट्रक्शन है और आपके इंस्ट्रक्शन में आपके पास ईडियम और फ्रेजेस यहां मेंशन किया गया है मतलब जो अपकमिंग क्वेश्चन हैं अब आपको ईडीएम और फ्रेज के सुटेबल मीनिंग बताने हैं डन जी चलो मैं वन बाय वन वन बाय वन करके मैं आपके क्वेश्चंस आपको शो करता हूं आंसर करते चलना बच्चों अगर दिल करेगा तो लाइक शेयर करते चलिएगा इसी बात के साथ आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टुक टू हर हिल्स पूरा ही है टुक टू हर जल्दी बताइएगा टूक टू हर मीनिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए जल्दी बताइएगा मेक इट फास्ट एवरी वन जी फटाफट जल्दी से जल्दी से क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एवरी वन स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बनी रहनी चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी मैं सोच रहा हूं कल से टाइमर लगा के मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊं नॉट मोर देन थर्टी सेकंड्स फॉर अ क्वेश्चन नॉट मोर देन थर्टी सेकंड्स फॉर अ क्वेश्चन जल्दी से बताओ टुक टू हर हील्स का मतलब क्या होगा बिल्कुल 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 टीनम यादव बिल्कुल करेक्ट बच्चे काजल बहुत बढ़िया जी जी अल्पना वो थोड़ा सा ऑफलाइन शेड्यूल की वजह से बच्चे दिक्कत हो जाती है वरना कोशिश तो यही होती है क्लास रेगुलरली लू है ना बिल्कुल आपकी शिकायत जायज है तत्काल टूक हील्स का मतलब भागने की तैयारी करना या भाग जाना भागने की तैयारी करना या भाग जाना ठीक है चलो बहुत बढ़िया शबाश बच्चों बहुत बढ़िया रेखा वर्षा मंजू पूजा अवंतिका प्रगति जी बहुत बढ़िया शबाश चलो 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 नेक्स्ट 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 क्वेश्चन जल्दी बताइए ये वाला तो एक बार और करवाया हुआ है मैंने जी वॉज प्लेन सेलिंग इट फास्ट इट फास्ट जल्दी से जी सोमिल बहुत बढ़िया आशीर्वाद बना रहेगा जल्दी से

जब कोई काम करना आपके लिए आसान हो जाता है या कोई काम बहुत आसान है ठीक ठाक चल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन सेलिंग प्लेन सेलिंग बिल्कुल वॉज वेरी इजी ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ये कलर्ड ईडीएम का पार्ट है बच्चों आपको कलर्ड ईडियम भी करवाना है मुझे जी कलर्ड ईडियम मतलब जैसे अलग अलग कलर्स है ब्लू इससे आपको पांच से सात ईडीएम मिलेगा ब्लैक रेड ग्रे ग्रीन है ना आप कलर्ड ईडियम आपने पढ़ा है क्या अगर पढ़ा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी बिल्कुल आपने कलर्ड ईडियम पढ़ा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं ये ब्लू पर बेस्ड ईडियम्स ब्लैक इस तरह से कलर्ड ईडीएम होता है थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा कुछ ईडियम्स खाने की चीजों पर बेस्ड होते हैं फूड वाले ईडियम्स अगर आपने ये किया है बिल्कुल बिल्कुल ईडियम भी रंग बिरंगे होते हैं और हर रंग के पांच सात ईडियम है।, है ना चलो यहां देखो बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है बेटा बिल्कुल सरप्राइज है ना किसी का कंप्लीट सरप्राइज रह जाना कोई बात नहीं कोई बात नहीं पढ़ा है चलिए बहुत बढ़िया पढ़ा है तो अच्छी बात है नहीं तो धीरे धीरे सेशन में उनको भी इंक्लूड करेंगे ठीक है जी निशा जैसे ब्लू बर्ड ब्लू ब्लड मतलब राजशाही खानदान से जो बिलोंग करता जैसे सैफ अली खान हो गए बाहुबली हो गया ये सब राजशाही खानदान से बिलोंग करते हैं जल्दी से एक तो वैसे तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग है थोड़ा टाइम दो एक दो दिन में थोड़ा थोड़ा फ्री होकर दोबारा चीजों को सिस्टमैटिक करता हूं मैं चलिए अब क्या कह रहा है ऑल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सेंटेंस टू इंप्रूव द सेंटेंस मेक इट फास्ट एवरी मेक इट फास्ट बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको कोई बात नहीं पूजा जी कोई बात नहीं मंजू तुरंत 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 जी वर्खा जी चिंता ना करें बहुत जल्दी लेकर आऊंगा इसका भी सेशन बस आप लोग बने रहिएगा साथ एंट्रेंस विजार्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को टच कर लेना जब भी क्लास अब तो क्लास वैसे भी रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूं कल से मैं कल परसों से चलो आपको सेंटेंस इंप्रूव करना है करने की कोशिश करो आई फील आउट ऑफ शॉर्ट टूडे आई फील आउट ऑफ शॉर्ट टूडे जी हाँ ये भी ये सारे भी कलर्ड ईडियम ही है कैप्टन लेकिन बहुत सारे बिल्कुल अवंतिका एप्पल पाई ये सारे भी कलर्ड ईडियम ही है लेकिन और भी बहुत सारे हैं जो आपको जानने चाहिए और जो एग्जाम्स में टकराते हैं जी मेक इट फास्ट एवरी वन मेक इट फास्ट जल्दी 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 आई फील आउट ऑफ शॉर्ट टूडे ये सेंटेंस आप कैसे इंप्रूव करेंगे जी चलो जल्दी देखो आई फील आउट ऑफ शॉर्ट टूडे इसका ये करेक्ट आंसर होगा ये वाला आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब होता है अनवेल आउट ऑफ शॉर्ट्स का मतलब आप अनवेल कह लीजिए या आप स्लाइटली इल कह सकते हैं अनवेल कह ले या स्लाइटली इल कह ले वो होता है आउट ऑफ शॉट्स तो इसीलिए बी वाला आपका करेक्ट है बच्चों आउट ऑफ शॉट नहीं होता आउट ऑफ शॉट्स होता है जब किसी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो जाए जी अच्छा नेहा से आई फील आउट ऑफ शॉट्स टुडे अच्छा आप करेक्ट सेंटेंस बता रहे हैं मुझे लगा आप खुद को बीमार कह रहे हैं कि तबीयत आपकी खराब है जी

जी बोलिएगा द परफॉर्मेंस ऑफ द मैस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस एंट्रेंस मेक इट फास्ट एवरी वन मेक इट फास्ट मेक इट फास्ट बच्चो नाइनटींथ में क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग एनमर्ड का मतलब होता है बच्चों प्यार मोहब्बत से भरा हुआ प्यार मोहब्बत से भरा हुआ परफॉर्मेंस ऑफ द मैस्ट्रो लेफ्ट ये भी चेक करो परफॉर्मेंस के बाद की बात है Attentive आप होते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एटेंटिव आप होते हैं बच्चों ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जी जल्दी से बताइए सुटेबल आंसर क्या होगा मेक इट फास्ट इसका एंट्रेंस का मतलब अगर आप जानते तो आप शायद बेहतर आप समझ पाते फेल्ड विद डाइट किसी के परफॉर्मेंस से आप जब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं उसी को एंट्रेंस कहते हैं इसीलिए इस इस क्वेश्चन में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा जी बिल्कुल बिल्कुल प्रगति बिल्कुल नो no एरर है बच्चे इसमें नो इंप्रूवमेंट है नो इंप्रूवमेंट नो एरर ठीक है चलो आ जाओ आ जाओ ये डी वाला समझ दोनों मैंने मीनिंग आपको बता दिया है इंट्रेंस मतलब खुशियों से भर जाना खुशी से भर जाना और एनमर मतलब प्यार मोहब्बत आप बाकी बातें समझते ही हैं आगे बढ़िएगा प्यार मोहब्बत धोखा है पढ़ ले बेटा मौका है जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स रिसेंटली चलो जल्दी बताओ जल्दी से स्पीड बढ़ाते चलो कैप्टन आपके आंसर बिल्कुल टाइम से आ रहे हैं है ना फोन में थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल अप हो जाता है इसलिए नहीं देख पाता हूं अट्रैक्ट आप किसी का परफॉर्मेंस से अट्रैक्ट उस टाइम होते हैं है ना मंजू आप बच्चे मान लो कोई परफॉर्म कर रहा है देन यू आर अट्रैक्टेड परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया उसके बाद खुशी मिलती है या गम मिलता है परफॉर्मेंस अच्छा लगता है या बुरा लगता है डन ना चलो जल्दी से हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी जल्दी बोलो यहां कह रहा है have been reported. आपका जो सब्जेक्ट है वो है एन इंक्रीज और ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है बच्चों और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये बताने वाली बात तो है ही नहीं कि उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा ठीक है तो ये जो हैव बीन रिपोर्टेड है इसको हैज बीन रिपोर्टेड कर दीजिए आपका आंसर बिल्कुल इंप्रूव और करेक्ट हो जाएगा जी इनक्रीज इन क्राइम्स एंड इनक्रीज इन क्राइम्स क्लियर ना डन जी चले आगे बहुत बढ़िया आगे, आगे क्या कहता है देखो एक और नई कहानी एक और नई कहानी आपके पास इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर फोर डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ट वन इज करेक्टली स्पेल्ट मतलब जो अगले क्वेश्चन हैं वो आपको स्पेलिंग एरर पर बेस्ड है अगले क्वेश्चन बच्चों स्पेलिंग एरर पर बेस्ड थे जी तो थोड़ा ध्यान से वर्ड को पढ़ते चलिएगा और ध्यान से आंसर करते चलिएगा डन ना चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मूविंग ऑन टू क्वेश्चन ट्वेंटी वन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन मेक इट फास्ट एवरी वन मेक इट फास्ट थोड़ा सा जल्दी पहला वर्ड है हाइजीन देखो आपके अकॉर्डिंग हाइजीन का क्या करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन जल्दी जल्दी बोलना बच्चों स्पीड बढ़ाए चलिए फटाफट आंसर करते चलिए स्पीड एक्यूरेसी दोनों बिल्कुल पीक पर होना चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बिल्कुल पीक पर होना चाहिए चलो देखो 21 का क्या सुटेबल आंसर आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए स्पेलिंग के साथ ऑप्शन भी मेंशन करें जी 21 बिल्कुल बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया एच वाई जी आई एन ई एच वाई जी आई एन ई हाइजीन मतलब साफ सफाई ये सब आप समझते हैं मीनिंग आपके लिए क्लियर होगा बिल्कुल बिल्कुल आमिर खान जी बिल्कुल ठीक बात है जी बिल्कुल बहुत बढ़िया निशा राणा कैप्टन नेहा सरू मंजू प्रगति रश्मि वर्षा वार्ष ने टिंकू बहुत बढ़िया जी रश्मि जी चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्रिविलेज जल्दी बताइए जी बिल्कुल बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है ए एम नोट जी बिल्कुल चलिएगा जल्दी बोलिएगा बच्चों ट्वेंटी सेकेंड वॉट अकॉर्डिंग टू यू आउट ऑफ द फोर गिवेन ऑप्शन विच एज द करेक्ट स्पेलिंग जल्दी बताइए इन चारों में प्रिविलेज का स्पेल करेक्ट स्पेलिंग क्या है इस वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों एडवांटेज इस वर्ड का मीनिंग है एडवांटेज जो आपको अलग से कोई फायदा मिलता है जो आम जनता को नहीं मिल रहा है जी जल्दी से बताइएगा थोड़ा थोड़ा स्पीड जी रेनू बिल्कुल प्रेजेंट है जी रेनू बिल्कुल प्रेजेंट है रेनू तो एक से दो बजे भी दो से तीन बजे भी मेरे साथ थे बच्चे आप तो जी चलो आ जाओ फटाफट आइएगा जल्दी से स्पेलिंग बोलिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी बच्चों ये डी कहां से आ गया प्रिविलेज में प्रिविलेज में डी नहीं होता है बच्चे इसलिए सी ऑप्शन पे आप क्यों जा रहे हैं जी ए वाला ए वाला ऑप्शन करेक्ट है प्रिविलेज में नॉलेज में डी होता है प्रिविलेज में डी नहीं होता ये आपका करेक्ट स्पेलिंग है पी आर आई वी आई एल ई जी ई डन जी चलो जी दिनेश सिंह चौहान जी बहुत बढ़िया दिनेश सिंह चौहान आपके करंट अफेयर्स वाले सर हैं एक बार स्वागत कर दीजिएगा दिनेश सर का करंट अफेयर वाले सर का चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री बच्चों करेजियस कहते हैं बच्चों वो गलत प्रोनाउंसिएशन है आपको बोलना है करेजस करेज करेज बोलते हो तो करेजियस कहां से हो जाएगा इसमें ई e साइलेंट है बस इतना ही ध्यान रखिएगा करेजस कोई बात नहीं अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक चलो, चलो चलो गुड इवनिंग नमस्कार सबको ट्वेंटी थर्ड जल्दी बोलिएगा ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है करेज में ओयूएस आपको लगाना है करेज में ओयूएस ठीक है चलो बहुत बढ़िया चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आपके सामने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अगला वर्ड है बच्चों पैराशूट जी मेक इट फास्ट मेक इट फास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एवरी वन अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड पैराशूट मेक इट फास्ट जल्दी से जी ट्वेंटी फोर्थ पे आ जाए ट्वेंटी फोर्थ पे जल्दी आ जाए 24th पे आइएगा थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते चलें थोड़ा स्पीड में बढ़ते चलें और आंसर करते चलें कौन सा आपको पैराशूट का करेक्ट स्पेलिंग लग रहा है जी बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शबाश बहुत अच्छे चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा जो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आरसी का क्वेश्चन है तो मैं आपके पास स्लाइड लेकर आ रहा हूं आप आराम से पढ़ना और आराम से जवाब देना डन चलो बहुत बढ़िया ये देखो अब जो अगला है वो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है अगला वाला क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से जवाब देना ठीक ब्रिंगिंग ऑन द पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू चलिएगा आई होप ये आपके लिए रीडेबल होगा आई होप बच्चों ये आपके लिए रीडेबल होगा है ना चलो जल्दी से बोलो एक ही स्लाइड है एक ही स्लाइड है जी बच्चों आ, ये तो याद नहीं कैप्टन की कैप्टन विजी की सारे स्पेलिंग का आंसर ए है ये मुझे कंफर्म नहीं है आपके सामने स्लाइड है बच्चों एक ही स्लाइड है आई होप ये फोन्ट ज्यादा छोटा नहीं है आप इसको इजिली पढ़ पाएंगे जी ओके देन गो फॉर इट एंड डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स दैट वेदर यू हैव कंप्लीटेड और नॉट यू हैव ओनली वन स्लाइड डन ओके थिंक थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन कैप्टन विजियन प्रगति सेव डन रीडिंग द स्लाइड चलो बहुत बढ़िया सोहित जी ट्वेंटी फोर्थ बहुत अच्छा छीक है बच्चे आगे आ जाओ तो तीन चार बच्चों का रिप्लाई आ गया तो आई एक्सपेक्ट की बाकी बच्चों ने भी पढ़ लिया होगा तो आई एम ब्रिंगिंग ऑन द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वॉट कलर इज द हाउस वो घर किस कलर का था जल्दी बताइएगा वो बैक्स्टर हाउस जो था वो किस कलर का था मेक इट फास्ट एवरी वन चलो बहुत बढ़िया नाउ कम ऑन लेट्स ट्राई द क्वेश्चन वट कलर इज द हाउस इट इज अ प्रिस्टाइन व्हाइट क्रीम अ डेंजी व्हाइट एंड अ ग्रेश व्हाइट वॉट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द करेक्ट आंसर ओके आई गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम पूजा सरिता मंजूवी का एज वेल एंड प्रिसेप्टर एज वेल सो प्लीज अटेम्प्ट क्वेश्चन नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव व्हाट कलर इज द हाउस जी जी बहुत बढ़िया oh, वर्षा सॉरी फॉर दैट बच्चे सॉरी फॉर योर लॉस करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है बच्चों बी वाला ग्रेई स्क्रीम बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शवाश बहुत अच्छे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर करेक्ट आते हैं ना टाइम पे और ज्यादा खुशी मिलती है क्योंकि पैसेज पढ़ना इज अ काइंड ऑफ काइंड ऑफ बोरिंग नॉट बोरिंग काइंड ऑफ बोरिंग चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स ऑफ द पैसेज चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोड मोड का मीनिंग क्या होता है बच्चों मोड का मीनिंग वैसे मो का मतलब होता है मशीन से घास काटना मशीन से घास काटना अच्छा रुचि शर्मा जी बिल्कुल ठीक बच्चे अगली बार से कोशिश करूंगा कि हर पैसेज के साथ में क्वेश्चन रखू साइड में है ना बिल्कुल बिल्कुल रुचि बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात बच्चे चलो इधर बोलो है ना जब इसका मतलब हो गया काटना तो ट्रिम करना आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन है करना सबसे सुटेबल ऑप्शन है डन ना बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ जाओ आजा आ जाओ, एकदम शबाश गर्दा गर्दा उड़ा दियो बे वाई इज इट डिफिकल्ट टू सी द हाउस फ्रॉम द रोड सड़क से उस बैक्स्टर सड़क से बैक्स्टर हाउस को देखना क्यों पॉसिबल नहीं था क्यों डिफिकल्ट होता था जी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एवरी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन जल्दी से बताएं क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ए और सी में कंफ्यूजन है ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल ए और सी में कंफ्यूजन है थोड़ा सा अगर मैं आपको पैसेज के पास ले चलूं तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है बच्चों आप इधर देखना शुरू करेंगे ये देखो द ओक ट्री दैट हैज ऑब्सक्योर्ड ऑब्सक्योर मतलब जो आपको क्लियर ना दिखे जहां आपको क्लियर ना दिखे इट इज डिफिक ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू सी फ्रॉम द रोड विदाउट पियरिंग बिहाइंड ऑब्सक्योर्ड फॉर इयर्स तो इसका मतलब बच्चों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए वाला ऑप्शन कि ओक ट्री ने उस पूरे व्यू को ऑब्सक्योर कर रखा है ढक रखा है इसीलिए वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होता जी चलो आगे आओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट बोलिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एवरी वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट जी हाउ डू द हाउसेस अपियर हाउ डू द हाउसेस अपियर चलो जल्दी बोलो फ्यू क्वेश्चन आर देयर प्रोबेबली मैक्सिमम टू क्वेश्चन वुड बी देयर जी जल्दी बोलिएगा जी ऑब्सक्योर बिल्कुल बिल्कुल हाँ टिंकू नो इश्यूज बच्चे इश्यूज no अच्छा मंजू कोई बात नहीं कोई बात नहीं मंजू चलो बहुत बढ़िया अवंतिका विद द पेट डायलॉग डेस्टेड बहुत बढ़िया हाउ डू हाउस अपियर कैसा वो घर जो उस डेक्सटर रोड पे जितने भी घर थे वो कैसे अपियर हो रहे थे जी जल्दी बोलना मेक इट फास्ट ये भी उधर ही गिवन है थोड़ा सा आपको मीनिंग डिकोड करने की कोशिश करनी है बच्चों थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग अगर डिकोड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड इतनी जल्दी थैंक यू कहा इतनी जल्दी थैंक यू नहीं करना है यहां पर क्लियरली गिवन है हाउसेस अपियरिंग टू बी क्लोन्स ऑफ वन अनदर हाउसेस अपियरिंग टू बी क्लोन्स ऑफ वन अनदर ये क्लियरली है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पे अगर आप चलेंगे योर करेक्ट आंसर वुड बी टू बी क्लोन्स ऑफ वन अनदर डी करेक्ट आंसर है वो आपको मैंने दिखा भी दिया लास्ट से थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन में है लास्ट से थर्ड लाइन या फोर्थ लाइन में है रेनू बस एक मिनट में छुट्टी होनी जा रही है बच्चे एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पैसेज कर लीजिए हाउ इज द हाउस डिस्क्राइब्ड है ना हाउ इज द हाउस डिस्क्राइब्ड कोई बात नहीं कोई बात नहीं थोड़ा सा रीडिंग को बेहतर कंसंट्रेशन के साथ ठीक करना सीखो आंसर सारे के सारे के करेक्ट होंगे चलो जल्दी बोलो यहां क्या है ये भी आपको गिवन था बच्चों पैसेज में जल्दी से आंसर कीजिएगा ये भी पैसेज में गिवन है आप जब तक आंसर करेंगे मैं एक बार आपको और वापस ले चल के दिखा देता हूं ये क्लियरली मेंशन था आपको डायलैपिडेटेड डायलैपिडेटेड मतलब जर्जर हो रखा है ओल्ड एंड ब्रोकन ओल्ड एंड ब्रोकन देन द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन इट शुड बी इट शुड बी ओल्ड एंड लैपिडेटेड सो सी इज द करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर इज दैट क्लियर इज दियर एवरी वन डन ना हाँ मंजू ठीक है बेटा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है है ना मैं कोशिश करूंगा कि हर स्लाइड पे पैसेज रख लू लेकिन मुद्दा क्या है ना कि हर क्वेश्चन के साथ पैसेज एक बार पढ़ के आप कितना कैरी कर पाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है पैसेज को एक बार पढ़ के कितनी बातें कितना इंफॉर्मेशन आप कैरी कर पाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जी है ना तो मैं क्या कोशिश करूंगा अगली बार से कि आधे में आपके लिए मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हो पाया फोन थोड़ा छोटा हो जाएगा आधे में मैं पैसेज रख लूंगा आधे में क्वेश्चन रख लूंगा ऐसी कोशिश करके देखते हैं जानना ना चलो सो थैंक यू सो वेरी मच एवरी वन फॉर टूडे दिस वॉज द एंड ऑफ टूडे सेशन थैंक यू सो वेरी मच दिल करे अगर दिल करे लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कर दिया करो थोड़ा हम लोगों की रीच बढ़ जाती है कुछ लोग और जुड़ जाएंगे जैसे आप टेलीग्राम चैनल को देखो एक डेढ़ महीने से सुस्त पड़ा हुआ है मार्च से भागा तो फटाफट हजार पहुंच गया और उसके बाद सुस्ती में पड़ा हुआ है रोज तेरह सो अस्सी तेरह सो सत्तर तेरह सौ नब्बे के आसपास है तो रीच बढ़ता है तो बच्चे कुछ बच्चे जुड़ना चाहते हैं ठीक है ना टिल द टाइम जैसे सौरभ चौधरी साइनिंग ऑफ दिल करेगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कोशिश रहेगी कि कल आपके मैं दोनों सेशन लू रूट वर्ड वाले भी लक्ष्य वाले भी एना एना एंड एज प्रोमस्ड एज प्रोम बच्चों कल मैं आप लोगों के लिए लक्ष्य वाले जा रहा हूं सो गेट रेडी पदस्टर थैंक यू सो मच बने रहिएगा एंट्रेंसाराइक शेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैसेज ऑफ द डे थैंक यू सो वेरी मच दिस इज फॉर ऑफ चौधरी ऑफ थैंक यू सो मच चलिए और अब बने रहना बच्चों साथ में अभी आपको पता है ना करंट अफेयर की क्लास होने वाली है दिनेश सर की तो बने रहिएगा करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जामिनेशन के लिए थैंक यू सो मच बने रहना होने वाली है क्लास तुरंत